हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल, अपना आशियाना। तो आज मैं अपने दिन की जो शुरुआत करूँ, व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है ब्रेड पकौड़े बनाने से। खाना मैंने ऑलरेडी बना लिया है और यहाँ पर बस अब मैं जो है ना ब्रेड पकौड़े बना रही थी। तो सॉरी मैं बीच बीच में गायब हो रही हूँ क्योंकि काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ और आप लोगों से मैंने इस वीडियो में बहुत सारी अपने मन की बातें करनी। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पर आलू का जो बैटर है ना ब्रेड पकौड़ों के लिए वो फ्राई कर लिया है। फ्राई कैसे करना है वो आपको पता ही है। अच्छा, कीर्ति ने मुझे बोला था कि उनके ब्रेड पकौड़े में ऑयल भर जाता है, तो डियर ऑयल इसलिए भरता होगा, एक तो ब्रेड पकौड़ों के लिए ना आपको जो ब्रेड लेना होता है वो बहुत फ्रेश लो। फ्रेश ब्रेड लेने के बाद ऑयल जो है ना कढ़ाई के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही डालना होता है ताकि वो उसके अंदर डूब जाए, कम होते हैं। तो वो मैं ऑफ वॉइस वो कर रही थी। यहाँ पर अल्फिया इतर आके दिखा रही हैं क्योंकि उन्होंने पहना है लहंगा। ये लहंगा इनायत का था, तो मैंने इनायत के जो ऐसे कपड़े थे वो मैंने रख लिए, तो ये मैंने इनायत का लहंगा बनवाया था, तो वो लहंगा हमने अल्फिया को आज पहनाया है। तो यहाँ पर मैंने परफेक्ट की ब्रेड ली है, उसके ऊपर अच्छे तरीके से जो ब्रेड पकौड़े का बैटर है ना, मतलब फिलिंग है, हमें अच्छे तरीके से लगा देनी है। कितनी भी हैवी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसन जो है मैं थोड़ा इतना ज़्यादा है मोटा मोटा नहीं करती हूँ, थोड़ा पतला ही रखती हूँ ताकि वो ब्रेड पकौड़े ना सॉफ्ट से बने। और सॉफ्ट ब्रेड पकौड़े हमारे घर में सबको बहुत पसंद है कि वो करारे करारे जो होते हैं ना, मतलब मोटे मोटे वाले बेसन के, वो नहीं खाते। और आप देख सकते हो कि ये कितने इजीली, और मैंने कढ़ाई जो है ना कितना तेल इसके अंदर ज़्यादा है तभी ब्रेड पकोड़े अच्छे बनते हैं। तो और बैटर भी मेरा ना इतना हैवी नहीं होता, थोड़ा पतला सा ही होता है बेसन, तो उसमें ये ब्रेड पकोड़े इजीली बन जाते हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। बेसन भी ज़्यादा डुबोइए, बेसन भी ज़्यादा ही घुलती हूँ मैं ताकि ब्रेड पकौड़े उसमें अच्छे से डूबे। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बिल्कुल बढ़िया से, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इनके अंदर, मतलब घुसा हुआ नहीं है, ऑयल में तो फ्राई होते हैं, वो बन के तैयार हैं। थोड़े से फ्राइज़ कर लिए थे, थोड़े सी चने की दाल की कचरी टाइप में जो बनती है ना, बस चने की दाल के अंदर जीरा लहसुन ये पीस के और हरा धनिया और प्याज में ये कचरी बना लेते हैं। चने की दाल है, यहाँ पर चने हैं, यहाँ पर हमारा खजूर है और वो बनानास है, बस यही रखा है आज, ज़्यादा नहीं। जैसे कि देखिए ये गोल्ड है, इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड कीमिया, ओरिजिनल गोल्ड है हमारे पास, गोल्ड ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। ये देखो खजूर मुंह में मेल्ट हो जाएंगे आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, दिस इज नॉट स्पॉन्सर। अच्छा हाँ, मैंने ये आ गई हमारी बाटिया ही सबको। आपू आज अपने ट्यूशन वाली दीदी को भी देख कर आई अफ्तियारी, है ना, है ना, बाज को नहीं, बाज आ गई अपनी अफ्तियारी लेके, बाज आए अफ्तियारी लेके आ गई। खाएंगे 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 वे खाएंगे वे खाएंगे, खोले तो सही बाज। आज अफ्तियारी में ग्रेप्स मिसिंग है, एप्पल है, वाटर मेलन क्योंकि वो शाम को काट के रख देती हैं 6 बजे। तो कार्य देखा, और अफू पूरे दिन ऐसे घूम रही है, आपके सामान लेके, तो अफू अब सर पे दुपट्टा ओढ़ो, अब अल्लाह अल्लाह का टाइम है ना, तो ऐसे नहीं रखते ना सर पे दुपट्टा। तब के लिए तो हम लाए हैं बाहर, अच्छा 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 अच्छा, इसको सीधा सीधा कर करो, ठीक है, फिर से बना देंगे, फिर से बना देंगे। हाँ, ये दुपट्टा तो आसिफ जी ने बनाया था खुद ही, उसके पापा ने नखरे तो खूब उठाए उन्होंने अपने बच्चों के ना, मेरे पापा ने, तुम्हारे पापा ने माशाल्लाह से, हमारे हमारे पापा तो आज तक उठाते हैं। हमारे पापा को अभी भी हम फोन कर देते हैं, पापा जी आते, उस दिन हमने फोन किया, पापा जी आते मैं कुल्फी लाना, कुल्फी कहाँ से लाना, कुल्फी कहाँ से, एक कुल्फी लाना, एक कुल्फी लाना। वो बता रही क्यों, कह रहे नहीं मिली, अच्छा कब, फिर कह रहे लो पैसे लो हम मंगा लेना, पापा जी कल ऑरेंज लेके आना, तो पापा जी ऑरेंज लेके, पापा जी कल ले आना, जो उनके बजट, मतलब बजट नहीं, जो उनको पता होता है समझ में आता है, क्योंकि पापा बड़े सीधे साधा से हैं। जैसे हम इफ्तारी में मैगी खाते हैं तो मेरे पापा जी रमजान शुरू हो गया, मैंने कैरी का सामान आएगा, सैरी का, हाँ सैरी का, इफ्तारी का, तो रात में आए हैं,
सारे फ्रूट्स लेके और खजूर का डब्बा वब्बा लेके सब रख दिया। तो मैंने कहा चलो ये तो नॉर्मल, पहले थोड़ी देर बाद कहते हैं रात में वो भी लाया हूँ मैं, तेरी महंगी महंगी अच्छा महंगी भी है तो महंगी भी पूरा पैकेट भर के पूरा पैकेट भर के मम्मा ले आई। मम्मा कह रही पापा से कह देना पापा ला देंगे। अच्छा मम्मा ने इधर से भी मंगा दिया और इधर से पापा भी लाया। मजे मजे ऐश है बाज आपकी ऐश है, अल्लाह पाक हमेशा ऐसी रखे। पापा कर दो भैया को कर दो, भैया जी ये लेते आना, ठीक है लेते आएंगे फिर। और जब हम कहेंगे भैया जी एक पेस्ट्री ना, बस एक एक ही बना, हाँ एक हफुआ बड़ी प्यारी लग रही हैं दुपट्टे और के बड़ी प्यारी लग रही है। इनके लिए मैं इसमें तेल क्यों नहीं भरता है, हमारे वालों में तो तेल भर जाता है। तो आज मैंने प्रॉपर रेसिपी में बताया कि भाई तेल नहीं भरता है, अच्छे बनते हैं, खाती ये है, ये बताएगी आपको। ऐसे ब्रेड पकौड़े हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करते बाहर के ब्रेड पकौड़े, कल तो पता ही हाँ सारा टाइम हमारा उसे लेने में लग गया। हल्दीराम से हम ब्रेड पकौड़े लाए बजे, मतलब एक ले वाला खा के मैं ऐसा हो रहा, दो हल्दीराम का खाना हमें पसंद है लेकिन जो ब्रेड पकौड़े होते हैं ना वो ना इतना मोटा बनाते हैं, मोटा बनाते हैं और वो पता नहीं क्या लेयर होती है बेसन की, क्या होता है वो ऐसे चुभता है, चुभता है। वो हमसे खाया ना जल्द, एक ने वाला दो ने वाला नहीं खा रहे, फिर भी आधा के बाद तो खाया ही नहीं है जैसे बाहर आए ऐसा होता है। ये कितना सॉफ्ट, अब मेरे को ब्रेड पकौड़े इतने कोई खास पसंद नहीं है, बस आपके लिए बनाती हूँ क्योंकि आपको कुछ और समझ में नहीं आता, आप बस ये ही खाती हो तो इसलिए कुछ भी ले आओ वो बात ही नहीं आती है। ये ब्रेड रात का फिर डिनर नहीं करते हैं, ये खा लेते हैं काफ़ी है। चलो अब दुआ कर लेते हैं ना। अरे कितने काले आ रहे हैं हम लोग हैं जी, तो कोई लाइट लाइट जला दो, बड़ी बड़ी लाइट जला जला के दूसरे लाइट जला कर। तो गाइज अभी हो रहा है, मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम गए थे मार्केट, तो मार्केट से हम लेकर आए हैं ये वाले कुर्ते पजामे के कपड़े। अपू वाला भी दिखाओ, एक ये वाइट कलर का है कुर्ते पजामे का और एक ऑरेंज कलर, और ये एक ऑफ वाइट कलर का कुर्ते पजामे का कपड़ा है जो मैं अभी लेकर आई हूँ हस्बैंड के साथ जाके, और एक हस्बैंड का लेकर आई गिला में। मैं अभी वुजू बना के बैठी हूँ, इसको रहे तो माशाल्लाह से, हाँ अभी नहीं तो माशाल्लाह से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से ले आए। और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी, आज मेरी शादी को ना 14 साल हो गए हैं। आप बात कर रहे हो दुबई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था रमज़ानों में इस तरीके से कपड़े ख़रीदना और ऐसे करके देना लेना देना होता। तो हम लोग ना ज़्यादातर कैश दे देते थे, आसिफ जी का ही काम होता था ये, और वो कैश दे देते थे। जो आसिफ जी को तरावी पढ़ा देते तो आसिफ जी मस्जिद में जाते थे तो वहाँ पर भी कैश दे देते थे। मुझे अच्छा लगता था कि जैसे मैं कपड़ा ख़रीद के लेकर आऊँ और मैं उनको दूँ कुर्ता पजामा, मतलब अपनी तरफ से दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे देना। और मुझे देना बहुत पसंद है, लेने से ज़्यादा मुझे देने में बड़ी खुशी होती है ना, दिल में सेटिस्फेक्शन मिलती है और एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि हमें गृहस्थी चला रहे हैं तो ये है कि हम रमज़ानों में जितना दे सके अच्छा है। तो मैं अलग अलग तरीके से अपने जितनी भी मेरी हैसियत होती थी उस हिसाब से दिया करती थी। वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग ऐसे तरीके से कपड़े दे रहे हैं, और मैं लेडीज़ के भी हैं मेरे पास, वो भी लेकर आई दो जोड़ी सूट, वो भी दे रही हूँ, ये कुर्ते पजामे के भी दे रहे हैं जिन्होंने आसिफ जी को तरावी पढ़ाई। तो एक बहुत छोटे ऐसे घर में, छोटे से घर में तब ये है, थोड़े से लोगों में उन्होंने हाफिज जी को लिया और फिर तरावी होंगी। तो आसिफ जी की तरावी जो है ना वो 25 तारीख को ख़त्म होंगी, इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी 24 को, संडे को होंगी मुझे इतना पता है, मिजला रोज़े वाले दिन। तो उससे पहले हम ये लेकर आए और इसे ख़रीदने में मुझे इतनी खुशी मिली ना, इतनी खुशी तो मुझे मेरे कपड़ों पे भी नहीं मिलती जितनी खुशी मुझे ये लेने देने के कपड़ों पे मिलती है। और अपने हस्बैंड की कमाई से ख़रीदना और फिर उसके बाद देना, उसकी खुशी ही एक अलग होती है। एक ये होता है कि चलो जी हम भी अब बड़े हो गए हैं, ये सब ना मम्मियाँ कर, मेरी मम्मी हमेशा कर देती हैं और अभी भी करती हैं। मम्मा के तो इतना लेना देना होता है माशाल्लाह से, वो कहते हैं ना कि एक हाथ से करो और दूसरे को बताओ भी ना, मम्मा ने हमेशा ऐसे ही करा है और वही चीज़ बताई भी है। तो मैं इन सब चीज़ों को उनमें ना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी वो, लेकिन ये है कि आज बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि दिल कर रहा था कि आज बताने का,
और एक खुशी भी होती है। बस आप सबकी दुआओं से, आप लोग ऐसे ही हमें दुआ देते रहो कि हम कुछ इस तरीके से अच्छा काम करें, और दिल को खुशी मिलती है ये सब चीज़ें करने से। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं इस तरीके से कपड़े दे रही हूँ, लेडीज़ भी जेंट्स भी, जो कि निकलता है। और ज़कात, सदका, खैरात, ये सब मेरे शौहर शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, वही देखते हैं। इस बार मैं थोड़ा सा इन कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। मैंने पिछले साल भी करा था कि जो हमारी यूट्यूब की पेमेंट है, मैंने उसमें से भी एक अच्छा अमाउंट निकाल के दिया था, तो मुझे उसमें भी बड़ी खुशी मिली थी। ये करके पिछले रमज़ान में ही करा था, तो वो चीज़ मैंने दिखाई नहीं थी जो मैंने करना था। और ये भी अभी भी हकीकत यही है कि मेरी, जो आप लोग समझते हो, मेरी YouTube की पेमेंट जो है वो हर महीने नहीं आती है। मेरी YouTube की पेमेंट हर 4 महीने में एक बार आती है, तो उसमें इतनी भी ज़्यादा नहीं आती है कि मैं बहुत कुछ कर सकूँ। लेकिन जहाँ, जब भी मेरी YouTube की पेमेंट आती है, तो मेरा ये रहता है कि उसमें से छोटा अमाउंट मैं दे देती हूँ, कि कुछ भी करना तो वो है कि अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। अल्लाह पाक सबको कराए, अल्लाह पाक सबके जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह पाक जो जैसा जिसके साथ, मतलब जो लेना देना करना चाहता है, अल्लाह पाक सबको दे, जो कि सब अपने आगे वालों को दें। हमेशा अल्लाह ताला हाथ ना ऐसे रखे, कभी ऐसे ना करें। ये वाले हाथ जो ना, सिर्फ मेरे शौहर कह रही हूँ, मेरे खुदा के आगे हो इस तरीके के हाथ, बंदों के हाथ आगे कभी ना हो। अल्लाह पाक कभी किसी के हाथ ऐसे मत करवाइयो, हमेशा सबको ऐसे ही दे के, हाँ भाई, देने वाली नियत रहे, देने वाला हाथ रहे, ये मुझे रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बस ऐसे ही हर बार ऐसे ही करें, जो रीत चली आ रही है वो रीत कभी ना टूटे। और बस यही आज का वो है मेरा, मतलब वो। और अभी भी इनायत का रिज़ल्ट नहीं आया है, मैं बार बार फ़ोन करके गई, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ दुआएं कीजिए मेरे बच्चों का, दोनों का, अल्फिया का आ चुका है, इनायत का भी नाम आ जाए, ताकि हमारी आधी टेंशन दूर हो जाए। करना तो देखो रब ने ही है सब कुछ, बट वे ना कि दुआएँ बहुत ज़रूरी होती हैं। दुआएँ कब किसकी लग जाए कह नहीं सकते, तो हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए, एक दूसरे को दुआ देते रहना चाहिए। तो आप लोग बस मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं आप सबको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ, और हमेशा ये कहना होता है अल्लाह पाक सबकी जायज़ तमन्ना पूरी कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज ना मेरा एक गाना गाने का मन कर रहा है, गा दो, लेकिन रमज़ान चल रहे हैं, गा नहीं सकती, तो चलो कोई बात नहीं, उस गाने को हम फिर कभी गाएंगे। तो बस इसी के साथ में आज का मेरा वीडियो जो है ना, बहुत छोटा सा प्यारा सा व्लॉग बनाया है मैंने। कोशिश तो करी है आप लोगों को व्लॉग देने की, और पता है क्या होता है कि जब हम कंटिन्यू व्लॉगिंग करते रहते तो आदत में भी रहता है, और जब हम एक दो दिन का गैप ले लें ना, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग से, तो माइंड दिमाग से उड़ जाती है कि अच्छा क्या करूँ क्या करूँ। काफ़ी चीज़ें मैं कर आई, मार्केट गई मैं, तब फ़ोन लेके नहीं गई, क्योंकि मुझे डर सा लगता है फ़ोन ले जाना मार्केट में, लोकल मार्केट में मैं नहीं लेके जाना चाहती फ़ोन को। दूसरी मार्केट में मैं जाती हूँ तो वो तब मेरे साथ फ़ोन रहता है, बट ये जो पास की मार्केटें होती ना, लोकल जो होती है, उसमें मेरे को डर लगता है, तो मैं कभी ही लेके जाती हूँ। तो वीडियो शूट नहीं कर पाई, कुछ ऐसा नहीं कर पाई, तो बहुत सारे काम बीच में कर भी लिए, लेकिन खैर जो भी है, बस यही तक का था हमारा आज का व्लॉग ना। आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 बाय, तब तक के लिए बाय। ये भी बाय बोल रही है, ये भी बाय बोल रही है। और मैं क्या कहने वाली थी, बस जी मैं इतना ही कहने वाली थी, मैं कहने बैठूंगी तो बहुत लंबा मेरा वीडियो हो जाएगा। बस अल्लाह पाक तू सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, तू सबको खुशियां दे अल्लाह ताला ये माह रमज़ान में, तू सबकी जायज़ तमन्ना पूरी कर, और बिछड़ों को मिला दे, और अल्लाह ताला जिस किसी की भी गलतियाँ हों, मेरे से किसी की गलती हो, मतलब मुझसे कोई गलती हो, तो अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करना, मेरा दिल किसी ने दुखा है मैंने उसे माफ़ करा, ये अल्लाह बस तू सब पे रहम और करम कर ले, यही एक दुआ। शोना क्यों कर रहे हो ऐसे, गंदी बात होती है, इतना आपको बड़ा चस्का लग जाता है इन सब। तो चलो जी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, हम आपसे मिलेंगे कल वाले व्लॉग में, और अभी शॉपिंग पे भी जाना है, और वो शॉपिंग जो मैंने बच्चों की करी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ जी।